वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो जो नए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और सब लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पड़ोसन कौन है, कौन है पड़ोसन जिसने लगाया हमारी प्यारी बड़ी दीदी पर इल्ज़ाम, जिसने अपने ही बच्चे को एक टारगेट बनाकर एक यूट्यूब पर फेम पाने का बनाया जरिया। ऐसा गलत गेम कौन खेल रहा है, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और रेसिपी जो है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू ले लिए हैं उबले हुए, थोड़ी सी हरी मिर्च दो चार काट ली है, और टमाटर, और थोड़ा सा सूखा मेथी दाना, और आधा चम्मच मैंने लिया अजवाइन का, एक चम्मच सौंफ का, और एक चम्मच राई का, थोड़ा सा जीरा और हींग। स्पेशल चांदनी चौक के आलू की सब्ज़ी बनने जा रही है आज यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये गर्म होगा तो सब जो खड़े मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल देने हैं। सॉरी, थोड़ा कैमरा इधर उधर होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे ट्राईपोड का थोड़ा चक्कर है, नहीं है मेरे पास में, आप लोगों ने चाहा तो जल्दी ले लूँगी मैं। तो वो खड़े मसाले जो हैं, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाना, सब डाल दिया मैंने, तो वो थोड़ा हो गया। तो फिर मैंने टमाटर डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा, अब तो बेसिक मसाले डालूंगी इसमें, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, अब ये सब मसाले डाल दूंगी। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही टेस्टी। और गरम, इस टेस्ट पे मैं गरम मसाला भी साथ ही में डाल देती हूँ, बाद में नहीं डालती। तीखा जो है वो आप अपनी पसंद से देख लें, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डालनी है, तो उसमें मैंने बीज निकाल लिए थे, तो लाल मिर्ची आप चाहें तो थोड़ी कम डाल सकते हो। अब ये हल्का फुल्का मसाला थोड़ा सा भून के अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, आप इसको व्रत वाले आलू भी कह सकते हो। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। तो आलू जो है वो मैंने रफली हल्के हल्के फोड़ के उसमें डाल दिए हैं, काटने नहीं है, क्योंकि हमने इसको एक विसल दिला देनी है, और बेशक आलू उबले हुए हैं अच्छे से, फिर भी एक विसल दिलाएंगे ताकि वो अच्छे से रस जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करो, अगर बहुत अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करो। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है इसमें, अब मैं इसको एक विसल दिलाऊँगी, और हाँ जी, एक विसल दिला के उसके बाद हमें मार्केट जाना था, इसलिए मैंने सब्ज़ी जो है जल्दी बना ली थी आज। तो आप देख सकते हो एक विसल के बाद मैंने इसको कुकर को खोला, तो सब्ज़ी अपनी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर आप, मैंने थोड़ा सा, मतलब कि वो कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और सब्ज़ी अपनी तैयार है। आप पूरी के साथ खाएँ, परांठे के साथ खाएँ, कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी जब आपने घर पर बनाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जो है मार्केट आ गई हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। थोड़ा बहुत सामान घर का बहुत ज़रूरी था, जैसे कि लॉकडाउन है, आपको पता है, घर से तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा फॉलो करते हुए, तो जल्दी से थोड़ा सा सामान ले लेते हैं। और आप लोग चाहते थे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैं क्या करती हूँ, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज मैंने शूट किया है। जहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े से लोग ज़्यादा हैं, वो इसलिए कि मार्केट सिर्फ 2 घंटे के लिए खुल गई है, इससे ज़्यादा नहीं, और मौसम बाहर का बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी एक चीज़ है कि ये सब तो आप किसी के भी वहाँ देख सकते हो ना, व्लॉगिंग जो लोग करते हैं वहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन मैं अगर किसी के लिए बात करती हूँ तो चलिए ठीक है, ये व्लॉगिंग के साथ साथ मुझे बात भी करनी होगी, क्योंकि वो मेरा कंटेंट है। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आज एक यूट्यूब का ना एक छोटा सा मैसेज जो परफॉर्मेंस का होता है वो मैं ज़रूर लगाऊंगी, आप देखना कि आप लोगों के कहने से मैं रुक जाती हूँ, नहीं बोलती हूँ या नहीं बात करती हूँ, पर मैंने आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला। और प्रीतो के लिए आप कहते हो कि मैं बार बार वीडियो बना रही हूँ, मेरे जैसे 50-100 लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। हाँ, सही बात है कि उन लोगों को अपने वीडियो में एक मैसेज दे देना चाहिए कि आप प्लीज़ वीडियो हमारे लिए ना बनाओ, तो ठीक है, कोई नहीं बनाएगा, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने बाहर का ये व्यू, दिखा रही हूँ आपको कि सुबह के 12:30 बजे हैं, तो हमें पता लगा कि इन्होंने ना पार्किंग बनानी है, तो ये सब तोड़ा जाना है।
तो मैंने कहा मैं दिखा लूँ, मैं यहाँ कपड़े धो के ऐसे सूखने डाल देती थी, फैला देती थी। और ये मैंने थोड़ा सा 2 किलो अचार बनाया, वो धूप में डला, ये मिर्ची है, बस ये आज ही की धूप है, कल से इसमें शेड डल जानी है। तो फिर मैं यहाँ का आपको सीनने दिखाऊंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जैसे कि ये मेरे पौधे वगैरह सब पड़े हैं, ये कपड़े सब मैं ऐसे सुखा लेती हूँ यहाँ पे, ये नहीं जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये शेड पड़ा हुआ साथ वालों की बिल्डिंग में, बिल्कुल वैसे ही हो जाना और धूप चली जानी है। अब क्या कर सकते हैं, रेंट हाउस है, जैसे वो चाहें करें। बाकी ये है कि थोड़ी सी मुझे टेंशन है, मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी। तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो एक याद सी रह जाएगी, है ना। सब फर्श वगैरह सब साफ है, सब धुला हुआ है, साफ सुथरा है, धूप में अचार पड़ा हुआ है। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर करनी थी, बस थोड़ा बुखार है, बिजी थी, बिजी क्या, रेस्ट में ही थी, तो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो होता है ना वही। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मैंने जब ये वीडियो बना ली तो मैंने देखा कि पंखा जो है ना वो फुल स्पीड पे होने की वजह से, जैसा कि थोड़ी गर्मी हो गई है तो आवाज़ पीछे से काफ़ी साउंड आ रहा था, तो फिर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो कह रहे हैं ना, आप देखिए प्रीतो पे ही वीडियो बना बना के ऐसे कर रहे हो, तो मेरे जैसे 100 से ज़्यादा ही कुछ लोग होंगे जो बना रहे हैं। तो चलिए, मेरा तो आज से ये वाला टॉपिक जो है बिल्कुल बंद है। तो बाकी अब जो भी है सुसु पोटी जो है वो खुद ही दिखाएंगे। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जो लोग जहाँ पर आकर मुझे बोल रहे हैं ना, वो ये चीज़ मुझे प्लीज़ ज़रूर क्लियर करें कि जब गंडमूल पूजा लगी थी, मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी, मम्मी ने कहा पैर भी नहीं देखने, मैंने भी बोला कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर भी आज अंकुश ने जो है ना रिवील किया फेस, अंकुश ने देखा, तो उसका उसके बारे में मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने पहले ऐसे क्यों नहीं देखने का बोला और अब उन्होंने देखने के लिए बोल दिया। तो चलिए ये उनके घर का मैटर है, जैसा भी है, मैंने कल अपनी वीडियो में बोला भी है, तो ये भी अंकुश ये गलत होता है, अगर सच में गंडमूल पूजा लगी थी तो नहीं देखना चाहिए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ब्यूटी जॉन पर बनाओ, प्रियादीप पर बनाओ, तो नहीं, मेरे को नहीं बनानी है उनके ऊपर वीडियोज़, कि जब तक आप किसी को रेगुलर देखते हो तो उसके बारे में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हद तक पता होती हैं, ठीक है, जिसको आपने इतने लंबे टाइम से नहीं देखा। लेकिन प्रियादीप को तो मैं देखती हूँ, आजकल उनका कुछ और ही मैटर चल रहा है, वो बिहार की रानी वाला, तो नहीं मेरे को, मैं उसके ऊपर नहीं बोल सकती, उसकी वजह ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर, तो वो चलिए वो छोड़िए। हाँ जी, मैं फेस वीडियो मैं सोचती हूँ मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन आप सब लोगों ने कहा कि आप फेस वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने फेस वीडियो बनानी शुरू करी। लेकिन कुछ लोगों के नहीं, अब तो मतलब हद हो गई, वो बार बार आईडी बदल के आते हैं, मेंटली हरास करोगे आप सब लोगों को, और वीडियो आप वॉच करोगे नहीं। मेरे को हैरानी होती है कि कैसे आप एक टाइटल पढ़कर इतना सब बोल जाते हो, इतना सब लिख जाते हो। चलिए कोई बात नहीं, मेरे जो लवली से सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियो उनके लिए आती है और आती रहेंगी।